पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, सर ये अशोक है मेरे गॉड, विधायक, लोगों ने लगाया हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान से, युवा नेता, एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद आज हमारे बीच में खास आपसे बातचीत के लिए आए हैं। मैं सचिन पायलट जी का हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आज की इस प्रेस वार्ता में, और मैं सीधा आप आमंत्रित करती हूँ सचिन पायलट जी को कि मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप जहाँ सब यहाँ पर आए शाम को। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 दिन शेष बचे हैं और 12 तारीख को मतदान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में हम लोगों ने सभाएं करी हैं और जो जनमानस का एक फीडबैक हमको मिल रहा है और जो रिस्पॉन्स लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं समझता हूँ कि लगातार प्रतिदिन भाजपा और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को एहसास हो रहा है कि वो इस दौर में बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार को 5 साल यहाँ पर हुए शासन में आए और सरकार बनने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार रही, यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, लेकिन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्रियों ने जो वादे किए, जो काम किए, बहुत अंतर है उसके अंदर। और लोग इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर 5 साल में काम किए होते, अपने काम के दम पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी डिलीवरी के दम पर अगर वोट मांगते तो जनता अगर खुश होती तो अपने आप वोट डालती। अब हो ये रहा है कि इस छोटे से राज्य में लगभग प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और आज कई सभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके काम पर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को होता तो शायद इतने बड़े नेता रोज इस प्रकार से अपना टाइम, अपने संसाधन जाया ना करते। तो इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट द बीजेपी इज़ ऑन अ बैक फुट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा मैंने एक नोटिस किया जो कल बीजेपी ने शायद संकल्प पत्र नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, वो एक बहुत ही कवर अप जॉब टाइप मुझे लगा कि उसमें कहीं पर भी वो कॉन्फिडेंस लोगों को इंस्पायर करने में बिल्कुल फेल हुए कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें OPS का था, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ना तो उसके लिए हाँ बोला है ना ना बोला है और अधर में लटका दिया उसको, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर हाँ बोलते हैं उसको तो जो हमने पब्लिक को कमिटमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने, हमको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अनेक राज्यों में जहाँ की सरकारें हैं वहाँ पर डिमांड आएगी, केंद्र सरकार से डिमांड आएगी, तो उन्होंने उसको साइड स्टेप किया है। लेकिन उसको दरकरार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो डिमांड और ये मांग है, ये वादा जो है, ये जड़ पकड़ गया पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इससे पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि इस मुद्दे पर जो पब्लिक ने हमारे वादे को, हमारे मैनिफेस्टो को, एक महत्वपूर्ण अंश को लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया था, उसको वो अब नकार नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत फंस गए हैं, ना हाँ बोल पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। और जहाँ तक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के बारे में, आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हमने OPS को लागू किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार निर्माण के तुरंत बाद हम पहली कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय लेंगे। और हमने जो कमिटमेंट्स किए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, चाहे वो मासिक भत्ता महिलाओं के लिए हो 1500 रुपये का, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हमने करी है, 1 लाख नौकरियों की बात करी है, तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों से हमने फीडबैक लेने के बाद अपने कमिटमेंट्स को तैयार किया और पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद किया है। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनती है, जब भी बनी पहले, लोगों को एक विश्वास था। इस बार जो सरकार चली है भाजपा के नेतृत्व में, उससे बहुत लोग अपने आप को एक तरह से धोखा उनके साथ हुआ मैं कहता हूँ। और दोनों सरकारें आपकी हैं, दिल्ली की, शिमला की, फिर भी पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, सभी इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट्स हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, कुपोषण हो, अनेक ऐसे मुद्दे हैं सोशल इंडेक्सेस पे जहाँ पे भाजपा के दोनों सरकारें, जो डबल इंजन की सरकारें बोलते हैं, दोनों ही इंजन लगभग गड़बड़ा रहे हैं। और मैं अनेक सभाओं में बोल रहा हूँ कि पहला इंजन तो सीज होगा 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में और दूसरे की बारी आएगी 2024 के अंदर। और मैंने एक बात और नोटिस करी कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उम्मीदवार को मत देखो, सिर्फ चुनाव चिन्ह को देखो। इसका सीधा सीधा
तात्पर्य ये है कि जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं वो जनता को पसंद नहीं है, और आपसी जो खिंचाव, जो टकराव, जो जो धक्का मुक्का हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जग जाहिर है। मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उम्मीदवारों के चेहरों को मत देखो, कैंडिडेट कौन है मत देखो, सिर्फ पार्टी को वोट डालो। दैट मीन्स द क्वालिटी, द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स बीजेपी हैज फील्डेड आर नॉट विनिंग कैंडिडेट्स। और ये मैंने फील्ड में जाकर देखा, अनेक जिलों में दौरा मैंने किया है, तो बहुत ज़्यादा उनके रेबल कैंडिडेट्स हैं, असंतोष में है, नेतृत्व में झगड़ा है, और आपस में जो टकराव भाजपा के लीडरशिप में है हिमाचल के अंदर वो अब बिल्कुल सामने आ रहा है। बहरहाल वो उनके अपने इंटरनल पार्टी का मैटर है, ये हम तो अपने खुद की पार्टी का हमने जो मैनिफेस्टो बनाया, जो कैंडिडेट्स हमने फील्ड में उतारे हैं, और जो कैंपेन हमने किया है, एक बहुत ही सस्टेन कैंपेन किया है, और जो रिस्पॉन्स लोग, प्रियंका जी की जो रैलियाँ हो रही हैं, जो लोग जिसमें आ रहे हैं, हम सबकी सभाओं में बहुत पार्टिसिपेशन लोगों का, एक तो होता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का पार्टिसिपेशन, एक होता है ईगरनेस, उनमें उत्साह है, जोश है, उमंग है, और एक बदलाव की लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। अगले 3 दिन के अंदर भी हो सकता है और कुछ नेता यहाँ पर आए बीजेपी के, लेकिन मोटा मोटा लोग मन बना चुके हैं कि 12 नवंबर को एक नई सरकार का निर्माण करना है, और मुझे लगता है कि हम सरकार भी बनाएंगे और अच्छे बहुमत के साथ बनाएंगे, जो हमारे लोग जीत कर आएंगे, संख्या बल बहुत होगा, और चुनाव जीतने के बाद सभी विधायकों से राय करने के बाद जो पार्टी वर्कर्स, नेता, AICC की लीडरशिप जो भी तय करेगी, उस व्यक्ति को जिम्मेदारी देकर सरकार का नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल के कैंपेन से, हमारे रैली से, मीटिंग से, नुक्कड़ सभाओं से, जो इंटरेक्शन हमारे हो रहे हैं, उससे बहुत संबल हमको मिल रहा है, और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एफर्ट्स है, जो हमारी कोशिश है, वो रंग लाएगी, और भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ पर सरकार का निर्माण करेंगे। यहाँ से शर्मा जी, NDTV। या मेरा सवाल ये है, OPS को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ये कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मात्र घोषणा है, और आप तो कुछ सरासर गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं, आप जांच करवा लीजिए, हमने जो कहा उसको करा है, और धरातल पर क्रियान्वयन योजना का हो रहा है, और इसीलिए हम उस एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि संसाधन कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे, उन्होंने जो कर्ज का बोझ इस प्रदेश की जनता पर थोपा है वो उनका फिस्कल मिसमैनेजमेंट है। कोई उद्योग लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, वेल्थ क्रिएशन हुआ नहीं, आपका टैक्स कलेक्शन पिछड़ रहा है, आपकी फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसीज बिल्कुल आउटडेटेड हैं, आपने तमाम तरह के GST थोप दिए, लेकिन इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो स्टिमुलस देना चाहिए, जिस प्रकार की गवर्नेंस होनी चाहिए, जो लीडरशिप होनी चाहिए, वो मिसिंग है। हम लोग ने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो सारे इकोनॉमिक क्राइटेरियाज को समझकर किए हैं, और हमारी बहुत एक पुरानी जिम्मेदार पार्टी है जिसने जो कहा है हमने हमेशा कर दिखाया है। तो OPS के मुद्दे पर मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, लेट देर बी नो एम्बिग्युटी, OPS इज अ कमिटमेंट दैट द कांग्रेस पार्टी हैज मेड टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी विल डिलीवर द डे वी फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग टेक्स प्लेस। सचिन जी, जब कांग्रेस सत्ता छोड़ के गई थी राजस्थान, प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, तो क्या उस समय की सरकार भी जो वित्तीय प्रबंधन था वो मिसमैनेज था? जब आपको पूरा सपोर्ट केंद्र सरकार से नहीं मिलता है, आपको संसाधन ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पर तो आपको पूरा बजट एलोकेशन रिसोर्सेज पैसा सारा मिल रहा था, उसके बावजूद भी आपने आज ये हालात कर दिए। अच्छा, अगर आपने कर्जा लिया भी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो है कहाँ भाई? सड़कों में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाया हो? अब पिछले 2 महीने में आप नारियल फोड़ रहे हैं, फीते काट रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल 10 महीने कुछ नहीं किया। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं, 1,000 करोड़ रुपये की घोषणाएँ हो रही हैं, केंद्र की सरकार कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ घोषणा है ना? आपको पूरा कार्य, देखिए, केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, फिर भी आप डेवलपमेंट एजेंडा को आगे लेकर नहीं आ रहे हैं, आप भावनात्मक मुद्दों पर हमेशा इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार बैकफुट पे, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। हर सरकार बोरोइंग करती है, मेरा स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि जो अमाउंट ऑफ बोरोइंग की है वो केयरलेस तरीके से की गई है, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये कैसा तर्क है मुझे बताइए? आप करें तो सब ठीक है, और वही बात कोई और करे तो वो गलत है।
मतलब इस प्रकार का ब्लेटेंट मिस इंटरप्रिटेशन किसी भी शब्दावली का बड़ा गलत है। मैं माननीय न्यायालय की टिप्पणियों पर या निर्णयों पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भाजपा सरकार में हमने खुद देखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है। जब आप कर रहे हैं तो वेलफेयर है, सोशलिज्म है और वो अति आवश्यक है, और कोई और दल, कोई और पार्टी अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा करता है तो आप क्वेश्चन करते हो। आप सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम दिखाएंगे आपको हम कैसे करते हैं, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों के अंदर। लेकिन दैट इज़ वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द बीजेपी कि आप अपने गरिमा में नहीं झांक रहे हैं, आप अपने आप को, आपके सब माफ़ है, और कोई और दल इस बात को बोलता है तो उसको आप फ्रीबी या रेवड़ी या तमाम तरह की उसमें चर्चाएं करते हैं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो वो कर रहे हैं। इतना प्रचंड बहुमत आएगा हमारा कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट प्लान की जरूरत हमको नहीं मिलेगी। जब 8 तारीख को गिनती होगी दिसंबर में, आप देखिएगा जो संख्या बल हमारा इतना अधिक होगा कि हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सचिन जी, लंबे समय से प्रचार बात कर रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं हमारा सर्वे देखिए, राहुल गांधी यात्रा जो कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आज़ाद भारत में शायद चंद ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इतना लंबा एक संकल्प लिया हो पदयात्रा करने का। इतनी लंबी यात्रा करने के लिए 5.5 महीने का समय चाहिए, साल में होते हैं 12 महीने। आप कभी भी 5.5 महीने उठा लीजिए, किसी ना किसी प्रदेश में कभी ना कभी चुनाव होगा, ये एक रियलिटी है। तो कभी उनको करना था। मैं नहीं समझता हूँ कि हम में से कोई भी किसी भी चुनाव या चुनौती को लाइटली लेता है, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, और हमारे जो लीडरशिप है, चाहे वो राहुल जी हों, खड़गे जी हों, सोनिया जी, प्रियंका जी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जितने भी यहाँ नुमाइंदे आपके सामने बैठे हैं, हम सब एक टीम के सदस्य हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम कांग्रेस की विचारधारा को और व्यापक बनाएं और चुनाव जीत कर जाएं दोनों स्टेट्स के अंदर, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, हम जमकर कैंपेन कर रहे हैं। और भाई, आप जो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उस पर परवाह मत करिए, आप तो 8 दिसंबर को देख लेना परिणाम क्या आते हैं। तो हम लोग जीतेंगे और पब्लिक के आशीर्वाद से जीतेंगे, और हम सबकी जो आपसी मेहनत है उसके आधार पर जीतेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ा गलत है, क्योंकि राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उनका उद्देश्य जो समाज में एक तरह से टकराव या कड़वाहट पैदा करने की जो कोशिश कुछ ताकतें करती हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं। संस्थानों को खोखला करने की जो कोशिश की जा रही है उसका विरोध वो कर रहे हैं। लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने रास्ते चल रहे हैं, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस कमिटमेंट और जिस एफर्ट के साथ वो लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो हुजूम वहाँ निकल रहा है, जो धरातल पर, हो सकता है कि अखबारों में या मीडिया में उसको उतना कवरेज ना मिलता हो, लेकिन जो है उसको झुठला नहीं सकते। और लंबा चलना, मैं गया हूँ 2-1 बार वहाँ पर चलने उनके साथ, आसान नहीं है। रोज़ का 25-30 किलोमीटर चलना, लोगों के साथ मिलना, सुनना, बैठना, समझना, एनजीओस, किसान, मछुआरे, बच्चे, बुजुर्ग, वकील, अलग अलग तबके के लोगों से मिलना, उनके जीवन में अपने आप को घुसा लेना, और फिर उसको कारवां को आगे बढ़ाना, ये ऐतिहासिक साहसिक यात्रा निकल रही है, इसका कोई सानी नहीं है पहली बात तो। और चुनाव जो हम सब लड़ ही रहे हैं, और मुझे लगता है हमारे एफर्ट में, हमारे कैंपेन में कोई कमी कहीं से नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, देखिए जब हम सरकार में होते हैं किसी भी स्टेट में, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमेशा एक यूनाइटेड हमारा एक लीडरशिप है स्टेट के अंदर, और उनके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने शुरू में पहले ही बोल दिया था आपके सवाल पूछने से पहले कि जब हमारे पास इतना टैलेंट है, डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत काबिल हैं, जिस प्रकार से उदाहरण दे रहा हूँ मैं, सिर्फ गुजरात के जो मुख्यमंत्री बने हैं अधिकांश लोगों को उनका नाम नहीं पता है, और मुझे मालूम नहीं, वो तो खैर उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ जो जीत कर जाएंगे विधायकगण वो, और जो लीडरशिप हमारी दिल्ली में तय करेगी उस व्यक्ति को काम, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश के हितों को देख कर लिया जाएगा। धन्यवाद। अगला सवाल। इट्स डन। नहीं नहीं, ओके, थैंक यू।
मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। पायलट साहब का बहुत धन्यवाद, इन्होंने इस प्रचार के दौरान जो चुनाव चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए बहुत समय निकाला। ये 1 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश में थे, 3 जनसभाएं इन्होंने की, उसके बाद 6 तारीख को 4 जनसभाएं पायलट साहब ने हिमाचल प्रदेश में की है, और आज ये जुब्बल कोटखाई आनी सुंदरनगर 3 जनसभाएं करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुँचे, और कल भी ये 2 जनसभाएं एक लाहौल स्पीति और एक करसोग में करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा सहयोग आपका मिला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने। मैं आप चिंता मत करो, मैं जिता के जाऊँगा। आधा काम करते ही नहीं हम लोग, आधा काम करते ही नहीं, चिंता मत करो। थैंक यू।